नया भारत, अभूतपूर्व ऊर्जा, अडिग संकल्प और सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ विश्व पटल पर नित नई बुलंदियां छू रहा है। चाहे नवाचार हो या स्टार्टअप्स, मेक इन इंडिया हो या स्किल इंडिया, मिशन चंद्रयान की सफलता हो या एशियन गेम्स में अद्वितीय शतकीय प्रदर्शन, नारी शक्ति और युवा शक्ति देश की उपलब्धियों के केंद्र में है। केवल 9-10 सालों में ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में आशा और विश्वास है, कैन डू की स्पिरिट है और नेशन फर्स्ट का संकल्प है। देश की इस करीब एक दशक की तेज विकास यात्रा में रोजगार, स्वरोजगार और स्वावलंबन के अनगिनत अवसरों का सृजन हुआ है। राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को नई मजबूती मिली है रोजगार मेले से। भारत सरकार और सहयोगी राज्य सरकारें मिलकर रोजगार मेलों के द्वारा लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां कर रही हैं। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। समयबद्ध, पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से अब तक रोजगार मेले के अंतर्गत लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन युवा कर्मयोगियों के योगदान से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य क्षमता का विस्तार हुआ है। नए भारत की प्रगति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है अद्वितीय स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ऐतिहासिक स्तर पर निवेश और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके सड़क, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जितना काम किया है उसने लोगों को ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवलिंग और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत बढ़ावा दिया है। इन सेक्टरों में हो रही प्रगति के कारण रोजगार के कई अवसर बने हैं और साथ ही इनसे जुड़े सरकारी पदों पर बड़ी संख्या में रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को तो सिर्फ भारतीय रेल में ही नियुक्त किया गया है। इन अभ्यर्थियों को टेक्निकल असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, कमर्शियल क्लर्क आदि के रूप में देश की सेवा करने की जिम्मेदारी मिली है। आज रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इनमें 14,000 से अधिक युवाओं को रेल मंत्रालय में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। साथ ही डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, वित्त मंत्रालय में टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट और रक्षा मंत्रालय में जूनियर इंजीनियर, लोअर डिविजनल क्लर्क, फायरमैन सहित विभिन्न पदों के लिए भी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। अमृतकाल में रोजगार मेले के माध्यम से सरकार की कार्य प्रणाली का हिस्सा बन रही ये अमृत पीढ़ी राष्ट्रीय लक्ष्यों और संकल्पों की सिद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगी। युवाओं के करियर को नई दिशा देते ये रोजगार मेले सुनहरे भारत की तस्वीर को प्रकाशमान कर रहे हैं।